हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बरबीघा साइंस क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट फोर्स would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg. Question है कि 6 kg mass के object में 4 meter per second square acceleration produce करने के लिए 6 kg mass के object में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। एज वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। देन हेयर मास इज गिवन, मास कितना है 6 केजी, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम इन टू ए, देन एम इज 6 इन टू 4, दैट मीन्स 24 मीटर। 6 kg acceleration 4 meter per second square, force required is 24 newton. So write at the last, hence a force of 24 newton, a force of 24 newton be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg. This is the answer. Next question is, calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. A car जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है 10 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। एंड द मास ऑफ द कार इज 1500 केजी, मास भी दिया हुआ है 1500 केजी। सो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो कितना फोर्स रिक्वायर होगा, कितना फोर्स अप्लाई करना होगा कि 10 सेकेंड में कार जो है रेस्ट से स्टार्ट होकर वो 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी को ऑब्टेन करें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इज गिवन बट एक्सीलरेशन इज नॉट, एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे। लॉ ऑफ मोशन का यानी मोशन चैप्टर का जो पहला इक्वेशन है क्या था, फर्स्ट इक्वेशन आपको याद होगा। चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं, जो दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ। देखिए यू जीरो होगा जब भी रेस्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, मोशन में आता है, तो रेस्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि रेस्ट में
देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो u यहां हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। फाइनल वेलोसिटी v दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम भी आपके पास है 10 सेकंड्स और मास गिवन है, मास इज गिवन, मास कितना है 1500 kg, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, m दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का पहला इक्वेशन याद होगा आपको क्या था, v इक्वल टू u प्लस at, तो चलिए वैल्यूज दिए हुए हैं उसको यूज कीजिए, तो v कितना है 3220 प्लस a, हमें कैलकुलेट करना है t कितना है 10, तो क्या हो गया ये 10 a इक्वल टू 30, दैट मीन्स a इक्वल टू 30 बाई 10, क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए एक्सेलरेशन हमारे पास है, अब हमें रिक्वायर्ड फोर्स निकालने हैं, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा F इक्वल टू m इंटू a, मास दिया हुआ है 1500 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स 4500 न्यूटन, हेंस द रिक्वायर्ड फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स इज 4500 न्यूटन, कितना आ गया फाइनली, हमें कितना फोर्स अप्लाई करना होगा 4500 न्यूटन की, ताकि 10 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स गिव्स ए मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 न्यूटन का फोर्स मास m1 वाले ऑब्जेक्ट पे जब अप्लाई किया जाता है तो उसमें एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस होता है, एंड ए मास m2 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है उसमें 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि फोर्स जो है दोनों केस में सेम है, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है m1 ऑब्जेक्ट के केस में भी और m2 के केस में भी, m1 में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, m2 के केस में 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन है व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव, व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, अगर दोनों मास को साथ बांध दिया जाए तो एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स वही 5 न्यूटन रहने पर, फोर्स वही सेम 5 न्यूटन का होगा, तो हमें कैलकुलेट करना है कि क्या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो आइए चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट केस, इसको केस बाय केस कर लेते हैं, फर्स्ट केस ध्यान देंगे हमको क्या निकालना है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है इन टाइट कंडीशन, टाइट कंडीशन में क्या होगी, सबसे पहले हमको m1 m2 दोनों का मास कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जब टाइट करेंगे तो दोनों का मास जो है वो क्या हो जाएगा कंबाइंड हो जाएगा, दोनों सम हो जाएगा, तो दोनों का मास हमें जोड़ने के लिए दोनों का मास हमें निकालना होगा, यानी m1 m2 कैलकुलेट करना होगा, तो चलिए आइए फोर्स कितना है, एफ इज 5 न्यूटन, एक्सीलरेशन क्या है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m1 हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ वाई ए
इसको अगर हम ए वन ले लें तो क्या हो जाएगा, 5 by 8 kg, इसको इतना ही रहने देते हैं। सेकेंड केस में, सेकेंड केस में एफ सेम है 5 न्यूटन, मास क्या होगा m2, एक्सीलरेशन है 24 m/s², मास कैलकुलेट करेंगे f/a2 = 5/24 kg। तो m1 m2 कैलकुलेट कर लिए, अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन इन टाइट कंडीशन। तो केस थर्ड में, थर्ड केस क्या देखेंगे इसमें, एफ 5 न्यूटन। अब जो एम होगा इन द टाइट कंडीशन, इन केस ऑफ टाइट, जब बांध देंगे दोनों को, दोनों का मास क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों का मास जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, m1 + m2, दैट मींस 5/8 + 5/24, तो क्या हो जाएगा, 24 LCM लेंगे, 5 3 = 15 + 5, दैट मींस 20/24 kg, हमारा ये सम आ गया। अब एक्सीलरेशन निकालेंगे तो क्या होता है, F = m × a, a इक्वल टू क्या होगा, F/m, f हमारे पास है, m भी निकाल चुके हो, 20/24, क्या हो जाएगा, 5/20 × 24, चलिए तो कितना हो जाएगा, 120/20, 0 से 0 कैंसिल, 6 m/s², 6 m/s². तो जब दोनों को बांध देंगे तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 6 m/s², क्योंकि मास जो है टाइट करने के बाद, बांधने के बाद दोनों को जो हम एक्सीलरेशन निकालेंगे टाइट कंडीशन में, तो दोनों का मास जुड़ जाएगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा F/m, यानी जो दोनों का कंबाइंड मास है उससे एफ को, फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल एक्सीलरेशन है इन द टाइट कंडीशन वो निकल जाएगा 6 m/s². नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 m/s, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। एक 6 kg के गन से 10 ग्राम के बुलेट को फायर किया जाता है, बुलेट का वेलोसिटी 300 m/s है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिक्वायरिंग गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, गन किस वेलोसिटी से वो जंप करेगा, बैक मूव करेगा, उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना। तो लास्ट में हम लोग जो मोमेंटम पढ़े थे, आप लोग कंजर्वेशन मोमेंटम देखे थे, वहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट लिए थे छोटा सा कोलिजन का, जिसमें देखे थे कि जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, कॉन्स्टेंट होता है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन देर इज नो चेंज इन टोटल मोमेंटम। सेम कंडीशन यहाँ होगा, बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, कॉन्स्टेंट होगा, देर इज नो चेंज इन द मोमेंटम, वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है, मास ऑफ गन दिया हुआ है, मास ऑफ गन को हम mg लेंगे, मास ऑफ गन को mg लेंगे, mg कितना है 10 ग्राम। याद रखना है कि यहाँ पर मास हमेशा हमें kg में लेना है, तो kg में कन्वर्ट कीजिए, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो कितना जाएगा, 0.1
0.01 kg. मास ऑफ, ये मास ऑफ बुलेट क्या है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन दिया हुआ है 6 kg. वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड. वीबी का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट. एमबी का मतलब मास ऑफ बुलेट, एमजी मीन्स मास ऑफ गन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ गन. तो ध्यान रखेंगे जो मोमेंटम बुलेट का होगा सेम मोमेंटम इसका होगा, गन का होगा. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग देखे थे कि जो फोर्स अप्लाई होता है किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो इक्वल होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा पहले ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स. तो यहाँ पर जब फोर्स इक्वल होता है तो मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा. तो चलिए आइए इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, मास मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट. मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो मोमेंटम ऑफ गन को क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ गन मास इंटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. तो यहाँ मोमेंटम ऑफ गन के लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन. तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन यानी कि एम जी इंटू वी सी, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट. तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ, तो चलिए पुट कीजिए वैल्यू को जो दिया हुआ है. मास ऑफ गन कितना है 6 kg. वेलोसिटी निकालना है तो इसको बीजी ही लिखते हैं. मास ऑफ बुलेट 0.01 kg. वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है कितना, 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो चलिए बीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.01 × 300 6 पॉइंट यहाँ से हटा दिए, नीचे 20 आ गया, 20 से 20 कैंसिल, 3/6 टू दैट मीन्स 1/2 इक्वल टू 0.5 m/s. ये हो गया मोमेंटम ऑफ रिक्वायरिंग, वेलोसिटी ऑफ रिक्वायरिंग गन. क्या लिख देंगे, हेंस velocity of requiring gun equal to 0.5 m/s². Question number 5. The car A of mass 1500 kg traveling at 25 m/s collides with another car B of mass 100 kg traveling at 15 m/s in the same direction. Question है, 1500 kg का एक car 25 m/s की स्पीड से travel कर रहा है and 1000 kg का एक कार, 1000 kg का एक कार 15 m/s की स्पीड से वेलोसिटी से दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक आगे दूसरा उसके पीछे. आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 m/s. अब आगे जो कार जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, पीछे जो कार है उसका वेलोसिटी 25 m/s. तो क्या होगा, एक निश्चित टाइम बाद वो पीछे से टक्कर मारेगा, कोलाइड होगा नहीं,
एक दूसरे से टकराएगा तो आफ्टर कोलिजन कार ए का वेलोसिटी हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन. तो चलिए सबसे पहले गिवन नोट करते हैं क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है गिवन. आइए सबसे पहले नोट करेंगे कार ए के लिए हम लेंगे मास ऑफ कार ए इक्वल टू एम ए 1500 kg. बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होगा उसको हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, तो लिखेंगे यू ए वेलोसिटी ऑफ कार ए. यू ए दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ कार ए बिफोर कोलिजन कितना है 25 मीटर पर सेकेंड. अब वेलोसिटी ऑफ कार ए आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ कार बी कितना दिया हुआ है 1000 kg. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी दैट मीन्स बिफोर कोलिजन यू बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी निकालना है यानी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कार बी वी हैव टू कैलकुलेट. तो क्या लिख देंगे हमें ये कैलकुलेट करना है कि कार बी का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद कार बी का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग डिस्कस किए थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. उसमें हम लोग देखे थे कि द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सेम कंडीशन अप्लाई यहाँ करना है. तो क्या लिखेंगे चलिए आइए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पर दे दीजिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ इसके अनुसार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार क्या होगा द टोटल मोमेंटम ऑफ टू कार बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ टू कार्स आफ्टर कोलिजन. क्या लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ टू कार बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ टू कार्स आफ्टर कोलिजन. आफ्टर टोटल मोमेंटम ऑफ टू कार्स बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ टू कार्स आफ्टर कोलिजन. तो चलिए सबसे पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या लिखेंगे एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू इक्वल टू एम ए इंटू बी ए प्लस एम बी इंटू ए. एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी ये हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ टू कार्स बिफोर कोलिजन. एंड एम ए इंटू बी ए प्लस एम बी इंटू बी बी
ये है टोटल मोमेंटम ऑफ टू कार्स आफ्टर कोलिजन। चलिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, एम ए कितना है 1500 इंटू यू ए कितना है 25 प्लस 1000 इंटू यू बी 50 इक्वल टू 1500 इंटू 20 प्लस 1000 इंटू वी बी, चूंकि वेलोसिटी ऑफ कार भी तो निकालना है, दिया हुआ नहीं है, तो चलिए क्या लिखेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 इंटू 25, 25 दे के रहा है 25 दे 25 दे तो 25 प्लस 15000 इक्वल टू 15000 प्लस 1000 बीबी जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 5 7 5 12 2 1 4 इक्वल टू 30000 प्लस 1000। तो चलिए इसको इधर ले आते हैं 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 30000 बचेगा कितना ये भी इक्वल टू देखेंगे 52000 में 30000 माइनस करेंगे तो बचेगा 22500 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल फाइनली आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ नोट कीजिए इसके बाद, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे हेंस द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन इक्वल टू 22.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कार बी का जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो कितना होगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अपने लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका जो एडवांटेज है वो मिल सके।